हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माइक्रोप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायनोक्युलर माइक्रोस्कोपी के बारे में। सो सबसे पहले तो आपको आज नया साल है तो हैप्पी न्यू ईयर। सो यस, क्यों माइक्रोस्कोपी क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें सब मुझे बोल रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ एक बायनोक्युलर माइक्रोस्कोपी का वीडियो शेयर करूँ। तो यस, माइक्रोस्कोपी जानेंगे सबसे पहले बायनोक्युलर माइक्रोस्कोप होता क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सेट करते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है इसको, कैसे स्लाइड इसमें सेट करते हैं और फिक्स कैसे करते हैं उसको, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले साथ साथ में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या, इसकी हैंडलिंग है। तो यस, या फिर मैं कह सकती हूँ इसकी केयर करना। ठीक है, तो जब भी आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करें उसके लेंस को बहुत अच्छे से क्लीन करें, एंड जब भी आप इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे आपको यहाँ से पकड़ना है, या फिर आपको कहीं पर भी इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है लैब में ही, तो आप यहाँ से पकड़ेंगे, देन बेस में एक हाथ लगाएंगे और इसको कहीं पर भी ले करके आ जा सकते हैं ईजिली। ठीक है, और ये बायनोक्युलर भी एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, सो यहाँ पर लाइट लगी हुई है, लाइट सोर्स दिया हुआ है। इससे पहले वाला जो माइक्रोस्कोप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें क्या लगा हुआ था, मिरर। तो उसमें वो क्या करता है, सन से लाइट या किसी भी लाइट सोर्स से जो मिरर है वो लाइट कैच करता है, देन उसको ट्रांसफर कर देता है कंडेंसर लेंस पे। तो यस, आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस किस क्या है फिलहाल, यस माइक्रोस्कोपी तो है ही, देन हम लाइट माइक्रोस्कोपी के कंडेंसेशन को भी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करेंगे कैसे माइक्रोस्कोपी का। सबसे पहले हमें क्या, अपने जो भी हमारा वायर्स के साथ आता है उसको क्या लगा देना होता है, ऊपर लगा देना होता है, देन स्विच ऑन करके यहाँ से भी स्विच को ऑन कर सकते हैं। ये आपको रेड बटन यहाँ पर दिख रहा है, तो स्विच मैं ऑन कर देती हूँ यहाँ से, देन आप यहाँ से ये स्विच जैसे ही चलाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से आपको लाइट दिख जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाती है, लाइट ओपन हो जाती है। अब मैं कैमरा को बैक फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ कि माइक्रोस्कोपी में ये सब कुछ दिखता कैसे है और कौन कौन से इसके पार्ट है। ये देखिए, स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको लाइट प्रॉपरली दिख पा रही है कि कैसे यहाँ से ऑन हो गई है, ऑफ करने पर ये ऑफ हो जाती है, ऑन करने पर ऑन हो जाती है। देन यहाँ पर आपको एक रोटेटिंग डिस्क दिख रही है, इससे आप क्या कर सकते हैं, यस इसको घुमा करके लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। देन इसके ऊपर क्या दिया, आपको एक कंडेंसर दिया हुआ है, ये देखिए कंडेंसर लेंस दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ से भी दिखेगा स्टेज से। ये वाला पोर्शन क्या होता है, स्टेज होता है, सेम पहले वाला माइक्रोस्कोप जो मैंने आपको दिखाया था उसी की जैसी। देन यहाँ पर आपको कुछ लेंसेज दिए गए हैं जो कि 5x, 10x, 45x एंड 100x का है। 100x पर हम ऑयल इमल्शन का यूज़ करते हैं हमेशा जब भी हमें कोई भी इमेज देखना होता है। देन ये स्टेज है, यहाँ पर आपको ये क्या दिया हुआ है, यस अपनी स्लाइड को सेट करने के लिए यहाँ पर कुछ क्लिप्स दिए गए हैं, और ये देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, ये वाला जो नोब है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारी इमेज को के फाइन एडजस्टमेंट के काम आता है। देन ये वाला जो नोब है ये किस काम आएगा, स्टेज को अप एंड डाउन करने के काम आता है। ये देखिए हमारा स्टेज इसकी वजह से क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइन ये बता दिया है मैंने, इमेज को फाइन करने के लिए होता है, ये कंडेंसर के लिए होता है, कंडेंसर को ऊपर नीचे करने के लिए, ये जो कंडेंसर लेंस आपको यहाँ से या फिर यहाँ से दिख रहा है तो इसको घुमा करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इधर आपको दिख रहा होगा एक, यस ये वाला रोटेटर, तो ये रोटेटर क्या करता है, ये स्टेज पर जो हमारी स्लाइड है उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप नीचे की तरफ से घुमा रहे हैं तो ये लेफ्ट एंड राइट में मूव कराएगा, एंड अगर आप ऊपर की तरफ वाला घुमा रहे हैं तो ये आगे पीछे की तरफ क्या करेगा, हमारी स्टेज को यस मूव करता है। और ये पता ही है आपको आर्म पोर्शन होता है माइक्रोस्कोप का। देन लास्ट में आपको यहाँ पर क्या दिया है, स्विच दिया है, ठीक है, और इसके इधर क्या दिया है आपको, स्विच के इधर क्या दिया है, यस ऑन ऑफ बटन दिया है, साइड में लिखा हुआ है पावर बटन, एंड आउटपुट कितना है इसका, LED लैम्प इसमें यूज़ हुआ है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं ये। तो यस, अब बात आती है कि माइक्रोस्कोप को सेट कैसे करते हैं। तो यस, माइक्रोस्कोप को सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले लाइट को आपको ऑन कर लेना है, देन आपको जो कंडेंसर है, ठीक है, आपको पता है कंडेंसर इससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो कंडेंसर को क्या करना है, हाइएस्ट पर लगा लेना है, ठीक है। देन आपको जहाँ पर भी स्पेसिमेन है उसको क्या करना है, रोटेटर रोटेटिंग यहाँ पर जो ये कह सकते हैं रोटेटर ही दिया है, ठीक है,
तो रोटेटर की हेल्प से आप इसको मूव करके क्या करना है, अपनी स्लाइड को आगे पीछे करके आपको जहाँ पर भी आपका स्पेसिमेन है ठीक है उस पर ला करके रोक देना है ठीक है। और इस तरीके से देन आपको यहाँ पर जो लेंस दिए हैं ठीक है, ये यहाँ पर तो आपको दो लेंस दिए हैं क्योंकि ये कैसा है बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप है, तो आपको इन लेंस की हेल्प से जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी स्लाइड पर कोई स्पेसिमेन नहीं है तो वो भी नहीं दिख पाएगा यहाँ से, तो इस तरीके से ये वाला जो माइक्रोस्कोप है वो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप को यूज़ करने के बाद आपको क्या करना होता है, जितने भी स्क्रू हैं स्क्रू बटन्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको क्या कर देना है, लूज़ कर देना है, कंडेंसर को वापस से मिला देना है, लाइट इंटेंसिटी को वापस से लो कर देना है एंड देन स्विच को ऑफ कर देना है। देन यहाँ से आपको मेन वायर भी निकाल देनी है एंड माइक्रोस्कोप को वापस से पैक करके और ये जो लेंसेज यहाँ पर दिए गए हैं इनको रिमूव कर करके रख देते हैं ठीक है। माइक्रोस्कोपी कैसे यूज़ करते हैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड और भी बहुत सारी क्योंकि वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ठीक है। तो यस फ्यूचर में कभी कोई स्टेनिंग करेंगे तो मैं आपको इस माइक्रोस्कोप में भी करके मैं भी दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम ये दोनों ही लेंस यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या हो सके, यस हम अपनी इमेज को देख सकें ठीक है। तो यस इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप। सो यस यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आप लोगों के साथ बनाऊं क्या माइक्रोस्कोप का एक वीडियो ठीक है। माइक्रोस्कोप हमें पता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने का काम करता है, लैब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हम बायोलॉजिकल साइंस में स्पेशली सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्योंकि हम देखते हैं जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सेप्ट वायरसेस वो क्या होते हैं सेल्यूलर होते हैं, तो अगर हमें उनकी डीप स्टडी करनी है तो हमें माइक्रोस्कोप के बिना वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। आफ्टर यूज़ मैंने आपको जैसे बताया है कि माइक्रोस्कोप के जितने भी स्क्रूज होते हैं उनको लूज़ कर देना है, साथ साथ आपको क्या करना है जितने भी लेंसेज होते हैं माइक्रोस्कोप के उसको अच्छे से ज़ाइलीन से आप क्लीन करेंगे देन आप उसको यूज़ करेंगे ठीक है। स्पेशली जो यहाँ पर आप अलग अलग लेंसेज यूज़ कर रहे हैं ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ ठीक है कौन कौन से माइक्रोस्कोपी हैं वो। देन उससे क्या होता है ना कि जो भी ये देखिए ये वाले जितने भी लेंसेज हैं ठीक है आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये वाले जो माइक्रोस्कोपी में लेंसेज होते हैं इनको अच्छे से क्लीन कर लें क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना हमको ऊपर नीचे स्टेज को ऊपर नीचे करने के चक्कर में ना बहुत सारे माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं मतलब उन पर स्टेन लग जाता है ठीक है अगर आप कवर स्लिप यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसको ऊपर नीचे करते हो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो आपका लेंस है वो कवर स्लिप से बिल्कुल टच ना हो क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना ऊपर नीचे करते हुए कवर स्लिप भी टूट जाती है ठीक है। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप माइक्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हैं ठीक है, तो पहले जब भी आप स्पेसिमेन को देखना शुरू करते हो सबसे पहले लोएस्ट रिजोल्यूशन का यूज़ करें जो कि कितना होता है 10x नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, बट मेरे पास 5x भी है तो आप 10x से शुरू कर सकते हैं देन 45x एंड ऑयल इमल्शन डाल करके ही आपको क्या यूज़ करना है 8x यूज़ करना है। तो यस यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। तो यस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।